नमस्कार, हम लोग मौजूद हैं नकुट ब्लॉक के गांव अध्याना के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान विनोद कुमार जी। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह का उनका जनता का प्यार रहा है, किस तरह का विश्वास रहेगा और कौन कौन सा विकास का एजेंडा जो आगे लेके चलेंगे। बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। अच्छा विनोद जी, पंचायत चुनाव निमट चुके हैं, आपके कंधों पर एक जिम्मेदारी आ चुकी है, एक सेवक के रूप में आप लोग काम करने जा रहे हैं, और किस तरह का मतलब कि प्यार रहा है और किस तरह का पूरे गांव का सहयोग रहा है, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में। पूरे गांव का बहुत सहयोग रहा, बहुत मोहब्बत से चुनाव लड़ा, मोहब्बत से ही सबने वोट दी। और गांव का विकास की बात यह है कि कुछ तालाब की समस्याएं हैं, उसे ठीक करेंगे, कुछ रास्ते बहुत ख़राब हो रहे उन्हें ठीक करेंगे, लेकिन होंगे सब ये जनता के सहयोग से ही। अच्छा विनोद जी, एक मुद्दा निकल के आता है आज के समय, शिक्षा का और चिकित्सा का, उसके बारे में आपका क्या एजेंडा है? गाँव घना में डिग्री कॉलेज बन रहा है, उसमें हमने पीछे जो प्रधान थे उनसे ज़मीन दिलवाई थी, डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ बन लग रहा है। शिक्षा तो पहले जूनियर स्कूल है हमारे यहाँ, प्राइमरी स्कूल है, अच्छे मास्टर है, उनमें कोई ऐसी उसकी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही मतलब बन लग रहा है, वो काम चालू है, शायद साल दो साल में चालू हो जाएगा डिग्री कॉलेज। अच्छा विनोद जी, मतलब कि आज के एक वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना, जिसमें चिकित्सा को लेके बहुत भरपूर मतलब कि सहयोग चाहिए आम जन का भी, तो आप किस तरीके से अपने गांव वालों को प्रेरित कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि एक बीमारी है, इसको समझना है, किस तरीके से आप बार बार उनसे अपील कर रहे हैं? तो भी आज सरकारें भाई एक तो मास्क लगाना जरूरी है, और सैनिटाइजर रखो, बिना वजह बाहर ना जाओ, कहीं नकड़ों नहीं जाना, बिना वजह घूमना नहीं। और रही इसकी बात, यहाँ हमारे यहाँ हॉस्पिटल भी है, 5 बेड का हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर अब तो आ नहीं रहे, पता नहीं क्या कमजोरी हुई उसमें, कोई कोरोना का होएगा, नहीं तो इंजेक्शन भी लगा रहे थे यहीं से गाँव में ही, तो वैसे तो सही चल रहा है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आप ये जो वैश्विक महामारी है, इसके बारे में आप अपने गाँव वालों को क्या संदेश और किस तरीके से उन्हें जागरूक कर रहे हैं? जागरूक तो यही है कि मैं बताना आपको कि बिना वजह के बाहर जाना, घूमना, तो उससे बचेंगे तो जब भी जाकर बचा जाएगा। सैनिटाइजर करो, बार बार हाथ धो, मुंह का हाथ ना लगाओ बार बार, तो यही है सभी को बता रहे। अच्छा कोई वैसा आ जाए तो भाई अपना घर में घर रह के ही अपना इलाज करवाओ, बाहर ना घूमो, उससे जिससे दूसरा आदमी भी मतलब उससे प्रभावित हो। अच्छा प्रधान जी, आप नवनिर्वाचित प्रधान बने हैं, इस ग्राम की जनता को आप किस तरीके से देखते हो और किस तरीके से आप उनको साथ लेके चलेंगे? मैं तो ना एक ही उससे देखो, सभी जनता मतलब का मुझे प्यार है, कोई मुझे द्वेष नहीं किसी से, और जनता को भी मेरे से प्यार है, कोई वो नहीं है, क्योंकि हम 8 कैंडिडेट खड़े थे, 8 कैंडिडेट में उन्होंने कुछ प्यार है तो जब भी मुझे चुना उन्होंने 8 में से। अच्छा आपका जो 5 साल का एक एजेंडा होता है, किस तरह का एजेंडा है, किस तरह से आप लेके चलना चाहते हैं? अभी तो हमने एजेंडा नहीं बनाया, लेकिन बनावेंगे बैठ के सभी गाँव वालों के साथ मिलकर बैठ के, जब एजेंडा तैयार करेंगे कि गाँव वाले क्या चाहते हैं। अभी आपने गांव में ऐसा मतलब आप नर्वेचर, उसके बाद आपने क्या क्या कार्य कराया अभी तक? नहीं, मैं तो कोई कार्य नहीं, बस यही करा, सैनिटाइजर करा, नालियों की सफाई कराई, अब चुना डलवाऊंगा, अभी तो सफाई व्यवस्था ही चल रही, क्योंकि ना तो गवर्नमेंट से कोई मतलब मुझे कोई वो मिल जा भाई, मैं चार्ज मिला ना कुछ, अभी तो वैसे ही चल रहा ना काम, अपने स्तर से ही चला रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे आने के लिए, और आप देख चुके हैं कि अध्याना गांव में एक विकास की गंगा बह चुकी है और कहीं ना कहीं विनोद कुमार जी अपने कदमों को उठा चुके हैं और सभी को साथ और सभी का विकास करने के लिए वो प्रतिबंधित है। कैमरामैन सभी के साथ मैं राजेश कुमार, सिटी 24 न्यूज़ सहारनपुर।